कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों इतना जिद्दी हो गया है, क्यों वो ईवीएम से चुनाव कराने पे क्यों आमादा है, क्यों भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं होम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि इस बार 400 पार, क्यों भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं इस बार 400 पार आएंगी, उन्हें इतना भरोसा कैसे है? ये जो मशीनें हैं ईवीएम है उसको बनाने का जो काम कर रहा है वो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी है, तो जब वो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं सॉफ्टवेयर में ही अगर वो चाहे तो ये तय कर सकते हैं कि किसको जिताना है, लेकिन इसको जिताने का खेल जो सबसे बड़ा खेल है वो बिना टाइमर के, लेकिन अगर उस ईवीएम के अंदर टाइमर ना हो, अगर टाइम क्लॉक ना हो जिसमें डेट और टाइम सेट किया जाता है, तो किस वक्त वोट को स्वैप करके किसको देना वो संभव नहीं है। उस गिराव का हम समर्थन करते हैं और हम सारे साथी पूरी ताकत के साथ उसमें शामिल होंगे, कार्यकर्ताओं सहित पूरे देश के लोगों से आह्वान करते हैं कि 31 जनवरी को वो लोग दिल्ली में उस मुहिम में शामिल हों ताकि बैलेट पेपर को वापस लाया जा सके। इसके साथ साथ आज कुछ ऐसे तथ्य हैं जो हमारे सामने आए हैं, जो हमने बारीकी से अध्ययन किया ईवीएम के बारे में, अध्ययन करने के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं, हम तो समझते थे कि ये जो मशीनें हैं ईवीएम है इसको बीईएल या ईसीआईएल ने बनाया है, लेकिन एक्चुअली जो सॉफ्टवेयर जो डेवलप किया जाता है उसको बनाने का जो काम कर रहा है वो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी है, और टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी में एमिनेंट प्रोफेसर्स हैं आईआईटी के, उन आईआईटी के प्रोफेसर हैं जिस आईआईटीज के अंदर देश के दलितों पिछड़ों आदिवासियों के साथ जो बच्चे आईआईटी कर रहे होते हैं उनके साथ उत्पीड़न की घटनाएँ होती हैं और वो बच्चे कई बार सुसाइड करते हैं, तो जहाँ इस तरह के जातिवादी मानसिकता वाले प्रोफेसर्स हैं, जहाँ जानबूझ के उन बच्चों को इंटरनल एग्ज़ाम में कम नंबर दिए जाते हैं, फेल किया जाता है, उनको डिमोरलाइज किया जाता है, और ऐसे प्रोफेसर्स ऐसे एमिनेंट प्रोफेसर्स उस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर हैं, और वो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ही है जो सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, और जो ये ECIL और BEL है ये तो हार्डवेयर बनाती है, ये तो उसको असेंबल करती है। तो हमें जो बाकी तथ्य पता लगे वो ये पता लगे हैं कि जो कंट्रोल यूनिट है उसका सॉफ्टवेयर टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी बनाती है, और वो कमेटी उस सॉफ्टवेयर में ही ये तय कर देती है किसको जिताना है। ये टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी के हाथ में है, अगर टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी पहले से ही विनओवर कर ली जाए, उनको खरीद लिया जाए या किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस में ले लिया जाए, तो जब वो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं सॉफ्टवेयर में ही अगर वो चाहे तो ये तय कर सकते हैं कि किसको जिताना है, लेकिन इसको जिताने का खेल जो सबसे बड़ा खेल है वो बिना टाइमर के संभव नहीं है। इस मशीन के अंदर ईवीएम के अंदर जो कंट्रोल यूनिट है उसके अंदर बकायदा एक टाइमर लगा हुआ है जिसमें पूरा टाइम डेट दोनों चीज़ होती हैं, और अगर टाइम और डेट ना हो तो वो गड़बड़ करना मुश्किल है। मैंने इसको बड़े बारीकी से पढ़ा है और उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्वैप कब होनी है, कब वोट को स्वैप करके किसको देना है। ये वाला काम अगर सॉफ्टवेयर के अंदर डाल दिया गया, लेकिन अगर उस ईवीएम के अंदर टाइमर ना हो, अगर टाइम क्लॉक ना हो जिसमें डेट और टाइम सेट किया जाता है, तो किस वक्त वोट को स्वैप करके किसको देना वो संभव नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये मशीन अगर कैलकुलेटर का काम करते तो इसमें टाइमर की ज़रूरत क्या है? क्योंकि जब वोट पड़ता है तो बकायदा किस वक्त वोट चालू हुआ पड़ना, कब वोट पड़ना ख़त्म हुआ, टोटल कितना वोट हुआ, उसका बकायदा पेपर पे भी मैनुअल तरीके से उसको मेंटेन किया जाता है, तो उस मशीन के अंदर टाइमर की आखिर ज़रूरत क्या है, उसमें क्लॉक की ज़रूरत क्या है? और वो ऐसा टाइमर है जिसको वोटर नहीं देखता, वो इलेक्शन कमीशन के अधिकारी जिसके हाथ में कंट्रोल यूनिट होती है केवल वो देखता है, क्योंकि जो वोटर है वो तो सीधा जाके जो कीबोर्ड है जो बैलेट यूनिट है वो तो जाके सिर्फ वहाँ बटन दबाता है, और बैलेट यूनिट में कोई नंबर नहीं होता, उसके अंदर ABCD होते हैं, और अगर कैंडिडेट जेड से ज़्यादा नंबर तक खड़े हो जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐसे कर रखा, चूँकि फिर गड़बड़ी नहीं हो सकती,
इसलिए फिर वो दो मशीनें लगाने से भी काम नहीं चलेगा। उसके बाद वो क्या करते हैं कि बैलेट से चुनाव होगा, यानी जो लेटर है इंग्लिश के ए से जेड तक, अगर उस लेटर से ज़्यादा संख्या में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अगर आ गए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के हिसाब से चुनाव फिर ईवीएम से नहीं होता, बैलेट से चुनाव होता है। तो सारा खेल ही है, क्योंकि वो जो बैलेट यूनिट है वो उसमें केवल ए से जेड तक के नंबर के जितने कैंडिडेट खड़े हैं वो नंबर डलता है, 1 2 3 एक दबाया तो वो कंट्रोल यूनिट को इन्फॉर्मेशन बैलेट यूनिट देती है, और वो ए बी सी डी इस तरीके से उसमें मार्किंग होती है। तो वो ए दबाया तो ए का सूचना उसको देगा कंट्रोल यूनिट को, और कंट्रोल यूनिट में वो दर्ज हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जो उसके बाद जब लोग अपना नॉमिनेशन फाइल कर देते हैं उम्मीदवार, और नॉमिनेशन विड्रॉ होने की डेट के बाद, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इंजीनियर्स, जो कोई ज़रूरी नहीं है कि सरकारी आदमी हो, वो कोई प्राइवेट टेक्निकल एक्सपर्ट भी हो सकता है, वो हायर किया हुआ आदमी भी हो सकता है, वो आकर वो उस मशीन के अंदर, चूँकि उसमें एक मेमोरी होती है, और दूसरा जो दो चीज़ जो वो करता है वो होता है टाइम फाइल बनती है और एक कैंडिडेट फाइल होती है। वो जो एक्सपर्ट आता है जो चुनाव की डेट से एकदम पहले, जब टाइम विड्रॉ, जब विड्रॉ की डेट ख़त्म हो जाती है और फाइनल हो जाता है कितने उम्मीदवार किस किस पार्टी के चुनाव मैदान में बचे हैं, उसके बाद जो मशीन में वो डालते हैं, वो एक तो टाइम फाइल डालते हैं और एक कैंडिडेट फाइल डालते हैं, ताकि किसको वोट दिया जा रहा वो उसमें आ सके। लेकिन असली बात जो है वो सॉफ्टवेयर जो उधर डिज़ाइन किया गया टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी में, और टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी को अगर इन्फ्लुएंस कर दिया गया और उसने अगर वहीं तय कर दिया किसको जिताना, चूँकि ये विश्वास कहाँ से आता है कि इस बार 300 से ज़्यादा जीतेंगे, इस बार 400 से ज़्यादा जीतेंगे, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? ये कॉन्फिडेंस से वही कह सकता है जिसको पता है कि उसने इन्फ्लुएंस करके टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से उसके अंदर सॉफ्टवेयर वो डेवलप करवा दिया है कि उन्होंने उस पार्टी को इतने चुनाव में इतने वोटों से जिताना है। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों मध्य प्रदेश के अंदर एक कैंडिडेट ने, बीजेपी के कैंडिडेट ने, उसने पहले ही बता दिया मुझे इतना बीजेपी को वोट मिलेगा, इतना उसको मिलेगा, और जब रिजल्ट आया तो वो वाकई उतना ही निकला, थोड़ा बहुत वोट का अंतर था। तो ये इससे ये समझ लीजिए कि जो आम वोटर का भरोसा है, जिस वोटर के भरोसे को कायम करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, तो वो जो वोट की उसकी चोरी हो रही है और उसको बिल्कुल डाउट उसका पक्का होता जा रहा है कि चुनाव के माध्यम से उनके वोट की चोरी हो रही है, उसको उस पर भरोसा नहीं पैदा हो रहा है, तो ये जिम्मेदारी तो इनकी है। और दूसरा डाउट इसलिए और ज़्यादा मजबूत हो जाता है, चूँकि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दे दी कि इलेक्शन कमीशन का गठन कि 3 जो सदस्य कमेटी होगी, एक प्रधानमंत्री होंगे, एक अपोजिशन के लीडर होंगे और एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, लेकिन माननीय मोदी जी ने संसद के माध्यम से एक कानून ला के उसको बदल दिया, और अब उस 3 सदस्य कमेटी में 2 सदस्य केंद्र सरकार के हो गए, एक प्रधानमंत्री जी हो गए और एक उनके लॉ मिनिस्टर हो गए, एक लीडर अपोजिशन हो गए, यानी जिसको इलेक्शन कमिश्नर वो बनाना चाहेंगे वो उसको बनाएंगे, और वो उनके इन्फ्लुएंस का आदमी हो सकता है, इस पॉसिबिलिटी को रूल्ड आउट नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम निवेदन करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, देश के राष्ट्रपति जी से, कि वो इसमें संज्ञान लें, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से और उनके कंपनी जजेस से भी हम निवेदन करते हैं कि वो इस पर संज्ञान लें और उस व्यवस्था को कायम करें, और जो ये कानून लाया गया संसद के द्वारा उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करें। अब मैं चाहूँगा, चूँकि जो RTI से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके बहुत सारी सच्चाई हमारे भानु प्रताप सिंह जी एडवोकेट लेके आए, वो रखें, उससे पहले एक बात और मैं आपको बता दूँ कि पिछले चुनाव में आसाम के एक डाटा आप देखें जिसकी वजह से डाउट और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें आसाम के दीमा हसाओ ज़िले में एक बूथ पर थे केवल 90 वोट, 90 मतदाता थे, लेकिन EVM में वोट पड़े 171, और उसने फिर चुनाव आयोग के 5 अफसर सस्पेंड किए इलेक्शन कमीशन ने, फिर कैसे भरोसा करें ऐसे EVM पर। और दूसरा डाटा है मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, वहाँ बसपा के कैंडिडेट खड़े हुए, वहीं उनके रिश्तेदार रहते थे, घरवाले रहते थे, लेकिन उस खुद अपने उनके बूथ से उनको एक भी वोट नहीं मिला, उनका खुद का वोट कहाँ गया। तो ये सारे डाटा जो हमारे पास आ रहे हैं जगह जगह से, उससे इस बात साबित हो जाती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों इतना ज़िद्दी हो गया है, क्यों वो EVM से चुनाव कराने पर क्यों आमादा है, क्यों भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं
होम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि इस बार 400 पार, क्यों भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं इस बार 400 पार आएंगी, उन्हें इतना भरोसा कैसे है जबकि उन्होंने कोई काम ऐसे नहीं किया। और इसके साथ साथ लास्ट में एक बात कहूँगा, ये सब लोग जैसे राम मंदिर वाला मुद्दा हुआ, कभी कोई सा मुद्दा लाते हैं, ये सब एक माइंड सेट बनाने के लिए, ताकि जो खेल ये खेल रहे हैं ऐसा खेल चलाया जा रहा है कि ये सॉफ्टवेयर में जो डाला जाता है उसके पहले, चुनाव से पहले आपने देखा होगा वो मॉक पोल भी करवाते हैं, तो वो जो टाइमर इसीलिए काम आता है कि किस वक्त भी डाल के देख लो वोट, उससे पहले वो काम नहीं करता, उससे पहले जो डालेंगे उसने दिखाएगा। वोट पड़ने के जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन की रात को 12 बजे के बाद, यानी टाइम उसमें सेट कर दिया, इसलिए टाइमर लगाते हैं कि किस वक्त उसमें स्वैप का डालना है और कब कितने टाइम से कितने टाइम के बीच में स्वैप किया जाएगा, ये सारा खेल उस वक्त कर दिया जाता है। इसीलिए मशीन को जब पब्लिक को दिखाएंगे देखो वोट डाल के देख लो जितना डाले वही निकल रही है, मॉक पोल भी कराएंगे, मॉक पोल में भी वो आएगा, क्योंकि असली खेल सॉफ्टवेयर में डाला गया है किस टाइम आपकी वोट को स्वैप करना है, किस पार्टी के जिसको ज़्यादा मिली है कितना किसको पहुँचानी है, वो खेल उस वक्त तय हो जाता है। धन्यवाद।